नमस्कार। आप जैसा, आप तमाम लोगों को जैसा पता है, गुजरात में जो लट्ठा कांड हुआ है, जो जहरीली शराब इलीगली जो बेची गई है, जिसको लेके ट्रेजेडी आफ्टर ट्रेजेडी लगातार जो गुजरात में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, इस चीज को लेके राज्यसभा में लोकसभा में हम लोग इस मुद्दे को उठाना चाह रहे थे, इसके ऊपर चर्चा करवाना चाह रहे थे। लेकिन चर्चा का मौका तो पिछले दो हफ्ते से आप देख रहे हैं, किसी भी मुद्दे पे चर्चा करने का मौका दिया नहीं जा रहा। इसलिए हम लोगों को लगा कि गुजरात से जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और जो हमारे सांसद हैं राज्यसभा में, श्री शक्ति सिंह गोयल जी, जो एक लंबे अरसे से वहाँ गुजरात में राजनीति करते आए हैं, कई चुनाव लड़े हैं वहाँ की राजनीति करके, अब राज्यसभा के सांसद हैं। नारायण भाई राठवा साहब हैं, यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, MOS रह चुके हैं हमारी सरकार में। यहाँ पर अमी बहन याजनिक भी हैं, जो हमारी AICC की स्पोक्स पर्सन भी हैं और राज्यसभा में सांसद हैं, और तीनों सांसद गुजरात से हैं। तो वो दो दो मिनट अपनी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद आपके कुछ सवाल है तो हम सवाल लेंगे। अभी शुरू करेंगे श्री शक्ति सिंह गोहिल जी। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि गुजरात, जहां पे प्रोहिबिशन माने शराब बंदी है, जहां शराब बिक नहीं सकती, जहां पे कोई ऐसा केमिकल जिससे जहरीली शराब बन सकती है, नशे वाली चीज बन सकती है, उन केमिकल के लिए भी बड़े कड़े कानून है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा वहां पे हफ्ता खाती है, पैसे लेती है, और ये हफ्ते कांड की वजह से गुजरात में जिनको लट्ठा कांड बोलते हैं, जहरीली शराब से 75 से ज्यादा लोग बोटाद डिस्ट्रिक्ट के रोजीद गांव में जहरीली शराब पीने से 75 लोगों की मृत्यु हो गई। कई लोग बचे लेकिन उनकी दृष्टि, आंखें चली गई है। काफी लोग ऐसे हैं जिसकी जान तो बची लेकिन किडनी चली गई है। और ये सारा राजनीतिक आरोप है ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां के सरपंच ने भाजपा के गृह मंत्री को मार्च महीने में एक कागज लिख के भेजा था, पुलिस स्टेशन में जाके खुद इसको इन्वर्ट करवाया था, DSP को भी भेजा कि साहब यहां पे इलीगल अल्कोहल बेची जाती है, हमारी मां बहनें सलामत नहीं है, आप इसको रोकिए वरना कोई बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। वो लिख के दिया होम मिनिस्टर को भी, पर क्योंकि पैसे खाते थे कुछ नहीं किया। कुछ वक्त बाद फिर से वही सरपंच रिटर्न में कंप्लेन करता है और अधिकारियों को भी भेजता है, पर क्योंकि पैसे का हफ्ता भाजपा के पास आता था, कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इसी वजह से वहां के गरीब लोगों की 75 से ज्यादा जो दिन में मजदूरी करते हैं, रोजगार तो है नहीं मोदी के राज में, कड़ी मजदूरी के बाद शाम को 10 रुपया और 20 रुपया की शराब पीकर सोने वाले 75 लोगों की मृत्यु हुई। उस परिवार का कोई दोष नहीं था, वो किसी गलत रास्ते पे नहीं था, उसका कमाने वाला बच जाता अगर सरकार सही वक्त जग जाती और इन लोगों को मुआवजा तुरंत उन परिवार को देना चाहिए। मुआवजा किसी की जिंदगी में गवाने वाले के लिए कोई पैसे की रकम उसकी कंपैरिजन नहीं हो सकती है, पर वो परिवार निराधार हुआ है, उसे मुआवजा अभी तक नहीं मिला। BJP के बड़े लोग मिले हुए हैं, मिथेल अल्कोहल प्रोहिबिटेड 600 लीटर अहमदाबाद से गया, जांच अगर ED CBI करे तो वहां करे तो भाजपा के लोगों के कनेक्शन मिल जाएंगे। कुछ वर्नाक्युलर मीडिया ने BJP के एक बड़े नेता के साथ वो केमिकल बेचने वाली फैक्ट्री के कनेक्शन भी दिखाए हैं। गुजरात के युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। गुजरात में सितंबर 2021 में 3000 किलोग्राम हेरोइन, नशे वाला ड्रग्स 21,000 करोड़ का पकड़ा गया। फरवरी 2022 में 750 kg ड्रग्स
2000 करोड़ की जिसकी कीमत होती है वो पकड़ा गया। अप्रैल 22, 260 केजी 1500 करोड़ की जिसकी कीमत होती है वो ड्रग्स पकड़ा गया। जुलाई में 75 केजी 500 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। गुजरात के उस मुंद्रा पोर्ट से बार बार ये ड्रग्स पकड़ा गया जिसकी वैल्यू हजारों करोड़ में हो जाती है। वहां ना ईडी जाती है, ना सीबीआई जाती है, ना मोदी जी की कोई एजेंसी जाती है। तो ये गुजरात के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हमने 0 वर्ष दिए, नहीं चलने दिया। हमने 267 के तहत इतना गंभीर इश्यू, हमने कहा काम रोको चर्चा दो, उस पर चर्चा नहीं देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं जब इतने बड़े सीरियस इश्यू पे चर्चा नहीं देते हैं? तो हमें जो भाजपा के नेता पहले कहते थे कि सरकार की मनमानी से हाउस नहीं चलता है, हाउस चलाने की जिम्मेवारी पार्टी इन पावर की है, ऑपोजिशन के पास शस्त्र है ग्रह को रोकने का और बार बार इसका जनता के इश्यू के लिए यूज होना चाहिए, वो भाजपा के अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी कहते थे, उसी का हम यूज करते हैं। हाउस में चर्चा मांगते हैं, चर्चा नहीं देते हैं। हमारी बैन एमीबेन की 267 की तहत दूसरी एक नोटिस थी जो भाजपा के एक मंत्री के ऊपर महिला के आरोप, उस पर वो बात करेगी। तीसरी हमारी नोटिस हमारे साथी नारायण भाई राठवा की थी, लिम्पी नाम का रोग आया है जहाँ पे गायों को, ढेर सारी गाय मर रही है, गाय माता के नाम पे वोट लेते हैं और वैक्सीन की जगह पे पानी के इंजेक्शन, सलाइन वाटर के इंजेक्शन दिए गए और वैक्सीन नहीं दिया गया, वो वीडियो भी आया है। इन पे बात करेंगे। मैं पहले एमीबेन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी 267 की नोटिस की बात आपके सामने रखें। एक बड़ी शर्मनाक बात सामने आई कि सिटिंग मिनिस्टर गुजरात में, उनके खिलाफ एक महिला ने कंप्लेन की कि वो 5 साल से उस पर दुष्कर्म हो रहा है, उसको परेशान किया जाता है, बार बार बुलाया जाता है और वो कहीं भी अपनी फरियाद नहीं कर सकती। इतनी शर्मनाक ये बात है पर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है क्योंकि द मिनिस्टर इज सिटिंग और उनका नाम आया है गुजरात के मिनिस्टर का, अर्जुन सिंह जी। वो महिला ने इतनी जगह बताया और वो अपने फैमिली के साथ भी गई कि पिछले 5 साल में बार बार उनको बुलाया गया है, बार बार उनको बेशर्मी से उनके साथ दुष्कर्म हुआ गया है, उसको बड़े एक्सप्लॉइट किया जा रहा है पर उसकी कोई बात सुनता नहीं है। इस पर से हमने आज, मैंने 267 लगाया कि बहुत ही गंभीर आरोप है और जहाँ सत्ता पक्ष इतनी बातें करता है कि हम एक डेवलप्ड राज्य में सत्ता पक्ष है, गुजरात एक डेवलप्ड स्टेट है, तो आप देख रहे हो कि एक तरफ हूज ट्रेजेडी हो रही है, ड्रॉप आउट रेट्स है, बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्कूल का, तो ऊपर से एक महिला जो एकदम सीधे से आके कहती है कि मेरे साथ इतना खराब कर्म होता रहा है काफी समय से पर मेरी फरियाद कोई सुनता नहीं है, ये भी बताता है कि महिला क्या सुरक्षित है गुजरात में और क्या, कहां से स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट विमेन कमीशन, मुझे लगता है स्टेट विमेन कमीशन के तो आज जो है उसके चेयरपर्सन वो भी नहीं है, तो महिला जाए तो जाए कहां? हर महिला कोर्ट में जाएगी और ऐसे सत्ताधीश पार्टी के सत्ताधारी मिनिस्टर के सामने वो कितना आवाज उठा पाएगी? इसके लिए 267 धूल के नीचे हमने ये बात मैंने उठाई थी कि बहुत ही सीरियस इश्यू है, हमें ये इश्यू लेना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए कि एक राज्य जो ऐसा कहता है कि महिला एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण है, महिला के साथ न्याय हो रहा है, हम इतने केसेस करते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन में, विमेन कमीशन में, पर एक महिला की बात एक मिनिस्टर के सामने लगाए हुए आरोप की हो नहीं रही है। तो मैं ये बात उठाना चाहती थी पर ये लोग सदन चलाना नहीं चाहते। हमारे यहाँ पे विमेन एंड चाइल्ड कमिश्नर डेवलपमेंट है तो मिनिस्ट्री भी महिला के पास है पर वो भी कभी संज्ञान नहीं लिया है, इसका भी संज्ञान नहीं लिया है। तो मैं पूछना चाहती थी ये सस्पेंशन देके कि भाई हमें चर्चा करवाओ, गुजरात में क्या है, हम सारे आंकड़े दे सके आपको और महिला की क्या परिस्थिति है, क्या सत्ताधारी पक्ष सुओ मोटो ये सुन के क्यों नहीं ले सकता है?
इसके बाद एक वायरल भी वीडियो हुई थी कि जिसमें बता रहे थे कि जो एक उनका रैली चल रहा था उसमें एक मंत्री थे या बहुत अच्छी पोस्ट पे जो व्यक्ति थे बीजेपी के, वो भी ये इलिसिट लिकर की बात करें तो वो भी एक जहाँ प्रोहिबिशन स्टेट है उनमें उसमें पी के चल रहे थे। आसपास की महिला जो नेत्री थी वो बता रही थी कि ऐसे बिहेव ना करो, फिर भी ये हो रहा है। तो मुझे लगता है कि गुजरात में बिल्कुल ना तो कोई जांच होती है, ना महिला आके वो जवाब दे सकती है, ना वो कंप्लेन कर सकती है। मैं ये मुद्दा उठाना चाहती हूँ पर ये सदन में ये मुद्दा नहीं लिया जाता है और सदन में हमारी बात सुनी नहीं चाहती है। नारायण भाई राठवा, नमस्कार साथियों। आज राज्यसभा के अंदर गुजरात के अंदर पशुपालन डिपार्टमेंट के अंदर जो गाय है, भैंस है, बैल है, उसके अंदर एक बड़ा डिसीज जो लंपी करके नाम का बड़ा डिसीज वहाँ पर चालू है। वो डिसीज की वजह से गाय, भैंस और बैल इमीडिएट मर गए और कम से कम 8 से 9 हज़ार के करीब गाय और भैंस बैल मर गया है। आज ये मैटर सदन के अंदर राज्यसभा में अर्जन मैटर की तहत उठाने की कोशिश की, लेकिन हाउस नहीं चलने की वजह से वो हमारा मैटर वहाँ पर डिस्कस नहीं हुआ। जैसे कोरोना 2020 में आया और सडन बहुत लोगों को इसकी इफेक्ट हुई, ऐसा ये गुजरात के अंदर खास तौर पे कच्छ, रापर, जामनगर, पोरबंदर और उस तरफ बनासकांठा, अरवली, पाटन, ये 6-7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लिम्पी नामक का बड़ा डिसीज आने की वजह से वहाँ बहुत कैजुअलिटी हुई है और गाय, भैंस, बैल मर गया है। वहाँ पर स्वैच्छिक संस्था जो पशुपालन के लिए गौशाला करने के लिए गौशाला में गायों भैंसों को लाके उसको सारवा देने का बहुत पैमाने पे चल रहा है, लेकिन उसको भी कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है। राज्य सरकार से और भारत सरकार से हमारी मांग है कि जितने भी खेडूतों की गाय, भैंस, बैल ये रोग की वजह से मर गए हैं उसको कोई ना कोई इंक्वायरी वहाँ पर होनी चाहिए और जो गाय, भैंस, बैल मर गया है उसको मुआवजा देने का काम भी राज्य सरकार वहाँ पर करे, यही हमारी डिमांड है। और जो खेडूतों का गाय और भैंस मर गई है तो खेडूतों को भी कहीं ना कहीं राहत राज्य सरकार की तरफ से मिले। मैं प्रधानमंत्री जी से भी मांग करता हूँ, अभी 2-3 दिन पहले बनासकांठा में डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट का इनोग्रेशन करके आए, वहाँ पर भी यही डिसीज आने की वजह से बहुत गायों को नुकसान हुआ है। और बड़ौदा डेयरी जैसे साबर डेयरी, यहाँ से बनास डेयरी, ऐसी अलग अलग प्रकार की डेयरी है, उसका चेयरमैन है, तो ये सभी लोगों को तुरंत वहाँ पर काम पे लगाया जाए और उसकी रस्सी जो है वो रस्सी वहाँ पर गायों को दे तो गाय माता बच सकती है। तो यही हमारी डिमांड है कि राज्य सरकार उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे और भारत सरकार की तरफ से हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो डायरेक्शन दे और खेडूतों का जो गाय, भैंस, बैल मर रहे हैं उसको बचाने की कोशिश करें। हम आपको एक ये वीडियो भेज देंगे, इस वीडियो में आप देख सकोगे, मीडिया डिपार्टमेंट हमारा आपके साथ शेयर कर लेगा ये वीडियो। ढेर सारे गायें मर रही हैं, ट्रैक्टर की ट्रॉली में डाल के इसको खुले में फेंका जा रहा है। और एक और वीडियो भी है कि जहाँ वैक्सीन देना चाहिए वहाँ भाई मुक्त भ्रष्टाचार, वैक्सीन की जगह सलाइन वाटर चढ़ाया गया और ये ढेर सारे आप देख सकते हो डेड बॉडीज गायों के वहाँ कच्छ, सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात में स्पेशली हर दिन ये गाय मर रही है। इसका ना कोई रिकॉर्ड रखा जा रहा है, ना इसे कोई मुआवजा दिया जा रहा है, ना कोई एक्शन लिया जा रहा है। गाय के नाम पे वोट लेते हैं पर गाय की क्या हालत है, जैसे कोई माँ की सेवा ना करे और सिर्फ माँ को भी कैमरे के लिए यूज करे, इसीलिए इसी तरह ये गाय माता को सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज करते हैं। और गायों की क्या हालत है ये वीडियो से आप देख पाएंगे। आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।